बहराइच के आज हम तहसील मोतीपुर में हैं, जहां पर तहसील दिवस यानी संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का भली भांति पालन अगर देखा जा सकता है तो आप तहसील मोतीपुर में देख सकते हैं, जहां पर राजस्व से संबंधित मामला हो या अन्य किसी विभाग से, सभी का निस्तारण कराया जा रहा है। संपूर्ण समाधान दिवस यहां पर भली भांति कराया जा रहा है। उप जिलाधिकारी मोतीपुर संजय कुमार के निर्देशन पर जो मामले हैं राजस्व से संबंधित या अन्य किसी विभाग से संबंधित हैं, उनका निस्तारण तत्काल संज्ञान में लेते हुए, मामले की गंभीरता को देखते हुए किया जा रहा है। बड़ा गंभीर विषय था कि लोगों को काफ़ी दिन तक भटकना पड़ता था, लेकिन अब जब से संपूर्ण समाधान दिवस मनाया जाने लगा, उस दिन से लोगों की समस्याएं ना के बराबर रह गई हैं। जानकारी लेंगे हम जिलाधिकारी से, आज कितने मामले यहां पर आए और कितने मामलों का निस्तारण हुआ। और आपको बता दें कि यहां पर जो बाढ़ पीड़ित हैं, जी हां, जो बाढ़ से काफ़ी ग्रस्त क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों के लोगों को बुलाकर यहाँ राहत सामग्री का भी वितरण कार्य किया जा रहा है, जिसका भी एक दृश्य हम आपको दिखाएंगे। उप जिलाधिकारी मोतीपुर संजय जी हैं, जिनको आपने कई बार हमारे चैनल पे देखा। बाढ़ पीड़ितों के लिए लगातार उनकी मेहनत रंग लाई, और आज समाधान दिवस पे, तहसील दिवस के संपूर्ण समाधान दिवस पे आप द्वारा कई समस्याएँ सुन रहे हैं। सर, दर्शकों को आपसे काफ़ी लगाव है हमारे, और सर आज संपूर्ण समाधान दिवस पर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया, और क्या निर्देश जारी किए गए संबंधित अधिकारियों को? तहसील दिवस के अपने शासन के निर्देशानुसार हमारा तहसील दिवस और थाना दिवस दोनों ही बराबर चलते हैं, जनता की समस्या के समाधान के लिए। और हमारे साथ सारे विभागों के अधिकारी इसमें बैठते हैं। जिस विभाग की जो समस्या होती है, हम संबंधित विभाग को ऑनलाइन उसको जारी करवा के उसको देते हैं, और एक टाइम पीरियड होता है उसका, एक समयबद्ध इसका हम स्थान भी कराते हैं। शासन ने निर्देश दिया है हमें कि जो भी एप्लीकेशन होंगी उसमें जो भी विभाग है, वो विभाग शिकायतकर्ता के पास जाएगा, उसके साथ उसकी फ़ोटो होगी, प्लस उसका बयान होगा, स्मार्ट मेमो होगा, तो ये सब चीज़ें उसके एप्लीकेशन में लगेंगी, उसके निस्तारण में, तब वो समाधान माना जाएगा उसका, उसकी संतुष्टि मेन चीज़ है, उसकी संतुष्टि होनी चाहिए। तो ये अब जो शासन ने निर्देश दिया, इसके क्रम में हम ये प्रक्रिया लागू करा रहे हैं, और जो भी समाधान दिवस में हमारी जो भी समस्याएँ आती हैं उसको हम उस समय इसका निस्तारण करते हैं। सर, आज बाढ़ पीड़ितों को राहत वितरण भी किया गया? हाँ, बाढ़ पीड़ितों के लिए हमारे यहाँ लगातार ये बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन किट जो बंटवाया जा रहा है। आज हमारा ग्राम मझरा में जो 32 हमारे पुरवे हैं, उनमें लगातार 2-3 दिन से बट रहा है, हम पुरवेवार उसको वितरण करा रहे हैं, और आज भी 6-7 पुरवे लगे हुए हैं, उसमें बराबर हमारे कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी लगे हुए हैं, पुलिस विभाग के लोग लगे हुए हैं, और बराबर वितरण कराया जा रहा है। अभी उप जिलाधिकारी मोतीपुर ने बताया, यहाँ पर CO मोतीपुर महीपुरवा, खंड विकास अधिकारी अजीत कुमार सिंह, सप्लाई इंस्पेक्टर रंजीत कनौजिया, और भी थानों के, कई थानों के, जैसे थाना सुजौली से हरीश सिंह SO मौजूद रहे, जिनको उप जिलाधिकारी द्वारा निर्देश जारी किए गए कि तत्काल समाधान किया जाए। पब्लिक की सेवा ही हमारी सेवा है। आपको हम कई बार दिखाए हैं, यह उप जिलाधिकारी मोतीपुर हैं, जिनके चर्चे बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। इनका जो कार्य है वह काफ़ी कुशल है और ईमानदार प्रवृत्ति के ये हैं, क्योंकि बाढ़ पीड़ितों के लिए ये लगातार खड़े नज़र आते हैं। समाधान दिवस पर स्वयं थानों पर पहुंचकर, थाना समाधान दिवस पर स्वयं थानों पर पहुंचकर ये लोगों की समस्याएं सुनते हैं, साथ ही संपूर्ण समाधान दिवस पर सभी जिम्मेदार अधिकारियों को बुलाकर उनके सामने जो भी समस्याएँ होती हैं उसके निस्तारण के लिए अग्रसर नज़र आते हैं।